स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक अस्पताल पहुंचे थे। यहां उन्होंने घायल मरीजों का हाल जाना। दरअसल यहां वह कल हजारीबाग में हुए बस दुर्घटना में घायल सिख श्रद्धालुओं से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। इस दौरान साथ में कांग्रेस नेता ज्योति सिंह मथारू भी उनके साथ थे। बता दें कि गिरिडीह से रांची आने वाली सिख श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। बस में सवार सभी श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से 2 दिनी विशेष गुरमत समागम में शामिल होने रातू रोड गुरुद्वारा आ रहे थे। घटना को लेकर रविवार को दीवान नहीं सजाया गया। संबंधित पदाधिकारियों से बात किया, तुरंत हमने हजारीबाग के सिविल सर्जन साहब, डीसी साहब, सारे लोगों को ताकीद किया कि वो तुरंत इसको गंभीरता से देखें। और इधर साथ ही साथ हमने रिम्स में भी कई एक बेड खाली करवा के, वार्ड खाली करवा के वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित कर दी थी। और जैसे जैसे पेशेंट आते गए, हम लोगों ने उसको बेहतर सुविधा देने का काम किया। और आपने देखा कि अभी हमारे गुरु नानक अस्पताल के सेक्रेटरी साहब ने भी इस बात को कहा कि जितने भी पेशेंट यहाँ आए हैं, उन लोगों को प्राथमिक उपचार बहुत बेहतर तरीके से सरकार की तरफ से किया गया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आजकल होता है कि लोग सच को सच नहीं कहते, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बड़ी साफगोई से अपनी बात को कहा है। मैं आया हूँ यहाँ अभी मरीजों को मिलने के लिए जो भी दुर्घटना में घायल हो गए, और वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लें और मुस्कुराते हुए अपने घर तक जाएं। और जो लोग काल के गाल में समाए हैं, उनके परिवार के लोगों को इस दुखद बेला में वाहेगुरु परमात्मा उनको धैर्य दे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, वाहेगुरु की कृपा हुई कि ये बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हुई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।